आप सबका फिर से एक बार स्वागत है शेफ शाकिरा में। आज हम बनाने जा रहे हैं पंपकिन या कद्दू का पराठा। अक्सर बच्चे कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो हमें बच्चों को किसी न किसी तरह से कद्दू खिलाना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम कद्दू को पराठे के रूप में खिला सकते हैं। तो आइए बनाना सीखते हैं ये सुपर टेस्टी कद्दू के पराठे। लेकिन सीखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए सीखते हैं कद्दू के पराठे बनाना। तो सबसे पहले मैंने पंपकिन या कद्दू का एक पीस ले लिया है। अब मैं इसे डी सीड कर लूँगी। याद रहे कि कद्दू के सीड्स भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसे भी आप सुखा के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सब सीड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो अच्छे से हर एक सीड निकाल लीजिए। और अब हम इसे पील करना स्टार्ट करते हैं। कद्दू को पील करना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके छिलके काफ़ी मोटे होते हैं, तो इसे पील करने के लिए हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि आसानी से पील किया जा सके। रिजेस के बीच में भी अच्छे से हम पील कर पाएंगे। इन्हें छोटे पीसेस में काटने से इन्हें छिलने में भी आसानी होगी और हम इसे अच्छे से ग्रेट भी कर पाएंगे। तो अब हम इसे अच्छे से पील कर लेते हैं। अब मैं अपना दूसरा पीस भी पील कर लेती हूँ। देखिए इसे पीलर की सहायता से इजीली आप पील कर सकते हैं। कद्दू वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हम बहुत फिल्ड फील करते हैं। तो जो भी डाइटिंग कर रहा है वो कद्दू का सूप, पंपकिन सूप या कद्दू के कोई भी आइटम्स खा सकते हैं। अब देखिए ये मैंने पंपकिन ले लिया, उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। किसी भी तरीके के ग्रेटर से आप ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कद्दू को कद्दूकस कर लीजिए। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है, टाइम की कमी है, तो आप फूड प्रोसेसर से इस तरह कर सकते हैं। अब मैं अपने फूड प्रोसेसर में आटा गूंथ रही हूँ, तो इसमें मैंने 1.5 कप ले लिया है गेहूँ का आटा। और ये हमारे कद्दूकस किया हुआ पंपकिन, इसे भी हम डाल देते हैं। ये भी लगभग 1.5 कप के जितना है। तो जितना आटा लिया है उतना ही मैंने कद्दू लिया है। ये एक बारीक कटा प्याज। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा कोरिएंडर। तो धनिया पत्ती ले ली हमने, ये 1/2 कप इसमें डाल लिया है। अब मैंने इसमें ले लिए 1 मिर्च बारीक काट के, तो 1 हरी मिर्च ले ली है बारीक काट के, इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं लूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैंने लिए हैं 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, इससे बहुत ही अच्छा क्रंच मिलता है। मैं अपने हर पराठों में डालती हूँ। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन। स्वाद अनुसार नमक। अब मैंने लगभग 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है जिससे कि पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। आप इसके अलावा और कोई भी स्पाइस डाल सकते हैं जो आपको पराठे में पसंद है। यहाँ मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ थोड़े। आप चाहे तो मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर वो सब भी डाल सकते हैं। अब हम इसे चला लेते हैं और आटा गूंथ लेते हैं। ये देखिए मेरा आटा रेडी है। अब मैं इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेके लुई बना दूंगी। तो छोटे छोटे पोर्शंस ले लिए हैं मैंने। अब इसके बॉल्स बना के मैं अपना पराठा बेल लूँगी। नॉर्मली अब जैसे आप पराठा बेलते हैं वैसे अब पराठा बेल लेंगे। पहले इन सब इस पूरे आटे की आप लुई बना दीजिए और फिर हम अपने पराठे बेलना चालू करेंगे। तो आइए अब एक पराठा बेल के आपको दिखा देती हूँ। कद्दू अपना बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ता है,
इसीलिए जब आप इसे बेलें तो काफ़ी मात्रा में सूखा आटा या तेल लगा के बेलें, जिससे कि आसानी से आप इसे बेल पाएंगे। देखिए, मुझे पराठे थोड़े पतले बेलना पसंद है, बट आप जैसे भी पराठे बेलना चाहते हैं वैसे आप बेल सकते हैं। मैं थोड़ा पतला पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चों को रोल बना के देने में आसानी रहती है। ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। अब हम इसे सेक लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने पर हम इसमें तेल डाल के इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आप घी या तेल में फ्राई ना करना चाहे तो ना कीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कड़क हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे टोमेटो केचप या चटनी या दही के साथ। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी टिफिन ऑप्शन है। तो अगर आप आलू या गोभी के पराठे खा कर बोर हो गए हैं तो आप ज़रूर ये पम्पकिन का पराठा ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पराठा कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक